इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग को लेकर भारत का स्टैंड साफ हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आतंकी संगठन हमास की ओर से की गई बर्बरता के खिलाफ भारत इजराइल के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन अब अपने ही देश की टुकड़े टुकड़े गैंग को भारत सरकार का ये स्टैंड खटकने लगा है। लेकिन इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो जंग के मैदान में इजराइल छोटे भाई की तरह हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। 57 मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल ने उस समय अरब देशों से लोहा लेकर भारत का साथ दिया था, जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। ये पहला मौका था जब नेहरू ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पत्र लिखकर हथियार और गोला बारूद की मदद मांगी थी। इजराइल ने तब भी भारत के लिए मदद भेजी थी। इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग हुई तो इजराइल ने भारत को हथियार की आपूर्ति के साथ ही खुफिया जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। आज जो अमेरिका भारत के साथ अच्छे रणनीतिक संबंधों का दावा करता है, साल 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद उसने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन इजराइल कभी भी अमेरिका के आगे झुका नहीं और भारत को रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति कराता रहा। साल 1999 में कारगिल हिल्स पर हुई भारत और पाकिस्तान की जंग भला कौन भूल सकता है, जब दुश्मन और आतंकियों और सेना दोनों के साथ मिलकर भारत की पीठ पर छुरा भोंकने की कोशिश की। अगर उस समय इजराइल भारत की मदद ना करता तो आज टाइगर हिल्स पर चांद सितारे का झंडा लहरा रहा होता। लेकिन भगवान का अवतार बनकर सामने आए इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड मिसाइलें दी। इन्हीं लेजर गाइडेड बमों को भारतीय सेना चोटी पर बैठे पाकिस्तानी आतंकियों पर गिरा रहा था। अपने ड्रोन के लिए मशहूर इजराइल ने हेरोन और सर्चर ड्रोन भी भारतीय सेना को मुहैया कराया और इसकी वजह से सेना को पाकिस्तान के आतंकियों का पता लगाने में मदद मिली, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को वायुसेना ने 3 चरणों में लॉन्च किया था। पहले चरण में दुश्मनों के ठिकानों की रेकी की गई, जिसमें उनके पास मौजूद हथियारों और बंकरों की जानकारी शामिल थी। दूसरे चरण में ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन के कैंप, उनके हथियार और उनकी भोजन के साथ ऑयल सप्लाई पर वायुसेना ने हमला बोला। तीसरे चरण में इजराइल से मिले लेजर गाइडेड बम से हमला किया गया था, जिसमें दुश्मन को ना तो वापस लौटने का मौका मिला और ना ही जंग लड़ने का। जितने भी आतंकी टाइगर हिल्स पर कब्जा करने की फिराक में आए थे, उनका टिकट कटवाकर भारतीय सेना ने 72 हूरों के पास भेज दिया था। लेकिन वैश्विक पटल पर आतंक के खिलाफ बोलने वाला भारत आज संकट की इस घड़ी में इजराइल नागरिकों के साथ खड़ा है, तो कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग परेशान हो उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।